हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल किम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त सुनील यशपाल और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल पापा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के सबसे ब्यूटीफुल पत्या बीच के ऊपर। और यार एक सनसेट का टाइम है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा माहौल है आज इस बीच का। और यार आज काफ़ी दिन के बाद आप लोग ट्रस्ट कीजिए कि इस बीच के ऊपर जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, आप लोग पैरासेलिंग की बात कीजिए, बनाना बोट है यहाँ पर, जेट स्की है यहाँ पर, और स्पीड बोट लोग यूज़ किया करते हैं यहाँ पर अंदर लाइक सी में घूमने के लिए। और उसके अलावा जो लोग यहाँ पर बीच पे काइट फ्लाइंग करते हैं, तो यार आज लगभग सारी की सारी एक्टिविटीज़ बहुत दिन के बाद देखने को मिली। तो सोचा कि चलिए व्लॉग शुरू करने से पहले आज का लाइक जो भी छोटे से लाइक कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने से पहले आपको दिखाया जाए इस बीच का कुछ माहौल। तो आई होप आपने भी ज़रूर ये सब एक्टिविटीज़ और एक ब्यूटीफुल सा सनसेट यहाँ पर ज़रूर इन्जॉय किया होगा। और अब अपने बात करते हैं आज की कुछ छोटी छोटी चीज़ों की, लाइक कुछ जो यहाँ पर पत्या के अंदर फिलहाल चल रही है। तो यार आज एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं कह सकते अपने पास में कि यार जो यहाँ पर एक आने वाले मंथ में मार्च की अगर आप लोग बात करें, जो एक म्यूज़िक फेस्टिवल होने वाला था यहाँ पर, हर एक वीकेंड्स पर यहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाले थे बीच के ऊपर, इसी पत्या बीच पर जहाँ पर मैं फ़िलहाल बैठा हूँ। तो फिलहाल वो जितने भी यहाँ पर कॉन्सर्ट है, जितने भी दिन वो कॉन्सर्ट होने वाला था, उसको यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कोविड केसेस। तो यार लेकिन ये कैंसिल नहीं किया गया, इसको सिर्फ पोस्टपोन रखा गया कि यार आने वाले दिनों में जैसे जैसे सिचुएशन यहाँ पर बेटर होती चली जाएगी तो हो सकता है कि एक बार फिर से ये जो कॉन्सर्ट है इसकी कुछ नई डेट्स यहाँ पर अनाउंस कर दी जाए। और उसके अलावा यार बहुत सारे मेरे भाई ऐसा बोल रहे हैं कि बाबा लाइक जो अप्रैल में यहाँ पर होता है सोंगक्रान, जो यहाँ का होता है थाईलैंड का न्यू ईयर, तो सोंगक्रान का इस बार क्या अपडेट है, क्या सोंगक्रान इस बार थाईलैंड में होगा, जो एक तरह का यार आप लोग कह सकते हैं एक होली फेस्टिवल होता है अपने यहाँ पर इंडिया में, उसी तरह से यहाँ पर सोंगक्रान फेस्टिवल मनाया जाता है। यार यहाँ पर सभी लोग पानी से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पानी के साथ लिटरली होली खेलते हैं। लेकिन ये फेस्टिवल यहाँ पर चलता है लगभग 6 से 7 दिन अगर आप लोग बात करें तो, 13 से लेकर 19 अप्रैल तक ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलरफुल फेस्टिवल है यहाँ का थाईलैंड का, जो यहाँ पर अप्रैल के महीने में होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपसे बात करूँ तो यार ये जो फेस्टिवल है इसको लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पर नेक्स्ट वीक में होने वाली है। और उस मीटिंग के बाद ही अपने को पता चलेगा कि यार आने वाला जो अप्रैल का महीना है वो अपने लिए क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि यार डे बाई डे जैसे जैसे यहाँ पर टेस्ट, जो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ़ टेस्ट यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो केसेस हैं वो भी सडनली यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, केसेस यहाँ पर बढ़े हैं। लेकिन ये जो केसेस यहाँ पर मिल रहे हैं इसमें से अगर आप लोग बात करें तो 70 से 80% केसेस ऐसे हैं जो यहाँ पर 80 के टेस्ट से पता चलें। जो मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि जितने भी यहाँ पर क्लब्स हैं, जितने भी यहाँ पर लाइक मार्केट्स हैं बड़ी, जहाँ पर भी गैदरिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर इस तरह के टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं। अगर माइनर से भी सिम्टम्स होते हैं तो उनको आप लोग कह सकते हैं, उनको बता दिया जाता है कि आपको हॉस्पिटल में जाना है या आपको आपके घर में क्वारंटीन होना है। तो शायद यही का वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन आई होप यार कि टाइम के साथ साथ जो ये नंबर ऑफ़ केसेस है यहाँ पर कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर आप लोग बात करें अपने भाइयों की जो इंडिया से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई आज के दिन में यहाँ पर पत्या में काफ़ी सारे लोग आए हैं और कुछ एक होटल्स हैं जिनके अंदर यहाँ पर 4 से 5 रूम ऑक्यूपाई थे लगभग पिछले 2 से 3 महीने से, आज उन होटल्स में लगभग 30 से ऊपर रूम जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। आप ट्रस्ट कीजिए यार, मैं आपके साथ कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ और बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगा आपको अपने उन भाइयों से मिलवाने की भी जो यहाँ पर अभी था पत्या के अंदर पहुँचे हैं कुछ हॉलीडेज़ स्पेंड करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए। और इसके साथ साथ मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी यार कुछ और चीज़ें, जैसे मैंने आपको कल एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया था यहाँ पर कि कुछ एक होटल जैसा बोल रहे हैं कि आप बुकिंग कैंसिल करा दीजिए अगर आपने 2 दिन का बुकिंग कराया हुआ, लाइक जो 2.0 टेस्ट एंड गो प्लान चल रहा था, और अगर आप लोग 3.0 में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक बार वापस से नया बुकिंग कराना पड़ेगा। लेकिन उस चीज़ में आज यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि कुछ एक होटल्स हैं जिन्होंने यार मेरे भाइयों को डायरेक्ट यहाँ पर मेल कर दी, और अपने ही फैमिली के कुछ भाई हैं जिन्होंने ये चीज़ मेरे साथ में जस्ट अभी लाइक जब मैं ये ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी टाइम पर मेरे भाई का कॉल आया जस्ट पिक हिज कॉल, और उसने मुझे ऐसा बोला कि बाबा मेरे को होटल से मेल आ गया है, उन्होंने ऐसा बोला है कि जो आपका 5वें दिन का जो आपने बुक कराया था टेस्ट एंड गो के लिए, जो आपने यहाँ पर SHA प्लस प्लस होटल बुक कराया है, जो आपका RT-PCR टेस्ट कराया है, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो आप उसी चीज़ के अंदर लाइक सेम जो आपकी डिटेल्स थी, जो आपका सेम थाईलैंड पास था, उसी पास पे आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। और जब आपका यहाँ पर
आप फर्स्ट डे क्वारंटाइन होगा जब आप फर्स्ट डे के लिए आप आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए हमारे होटल में आएंगे आफ्टर योर नेगेटिव रिपोर्ट। जिस टाइम पे आप हमारा होटल चेकआउट करेंगे तो जो आपका पांचवें दिन का अमाउंट है जो आप ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं आपके होटल के रूम के लिए प्लस आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए, वो जो अमाउंट है वो हम आपको वहाँ पर रिफंड कर देंगे। तो एक अच्छी चीज़ है यार कि जो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि यार कैसे हम लोग बुकिंग कैंसिल कराएं या फिर नई बुकिंग लें फिर थाईलैंड पास अप्लाई करें, तो यार ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं डे बाय डे यहाँ पर सॉल्व होती चली जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ नई अपडेट्स यहाँ पर आ रही हैं और हर होटल यहाँ पर कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कस्टमर्स अपने होटल में लाने के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी पूरी पूरी कोशिश कर रहा है यार यहाँ पर की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको थोड़ा सा और कम किया जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज्म है वो अपने एक बार वापस से थाईलैंड के अंदर आ सके। तो यार ये है शाम का वो ब्यूटीफुल सा नज़ारा जिसको देखने के लिए यहाँ पर अक्सर बहुत सारे टूरिस्ट वीकेंड पर आया करते हैं, और अगर आप लोग डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो काफ़ी सारे लोग एक बार फिर से यहाँ पर पत्तया के अंदर आज मौजूद है इस ब्यूटीफुल सी शाम और इस ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय करने के लिए। तो यार कमी है तो सिर्फ यहाँ पर अपने इंडियन भाइयों की, और आप लोग ट्रस्ट करें यार अभी मुझे कुछ एक भाई अपने यहाँ पर इस बीच पर भी मिले थे लेकिन फिलहाल उन भाइयों ने बात करने से मना कर दिया, और उन लोगों ने मेरे को पहचान तो लिया कि यार बाबा भाई हम आपके वीडियोज़ देखा करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग पत्तया का लाइक पत्तया के बारे में सर्च करते हैं तो रिकमेंडेशन में आपके वीडियोस भी आते हैं। तो यार अच्छा लगा मुझे यार कि चलिए कुछ भाइयों ने अपने को पहचाना, लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो एक बार फिर से मेरे भाइयों ने मुझे बोला कि प्लीज़ हम लोग कैमरे के सामने नहीं आ सकते। तो आपको पहले भी बताया था यार कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कारण होते हैं, वो सभी लोग इतना जल्दी कैमरे के सामने नहीं आते हैं, इतनी जल्दी बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन आई होप कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे भाई ऐसे आएंगे जिनके साथ मैं इसी बीच के ऊपर बैठकर कुछ मीठी मीठी बातें ज़रूर करूँगा और उसके एक्सपीरियंस भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसी होप के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम है सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।